गाजा हमास युद्ध के बीच इसराइल ने हमास का युद्ध विराम का प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया है। इसराइल का कहना है कि वो बंधकों की रिहाई के बदले गाजा में अस्थायी युद्ध विराम करने के लिए राजी है, लेकिन वो स्थायी युद्ध विराम पर कतई सहमत नहीं है। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना पर अब एक डबल अटैक हुआ है। एक तरफ करीम शलोम क्रॉसिंग पर हमास ने रफा से रॉकेट हमला करके इजरायली फौज को दहला कर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने भी आईडीएफ पर भीषण रॉकेट अटैक किया है। दरअसल हिजबुल्ला ने इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर एक बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला ने यहां पर आईडीएफ की चौकियों पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने किरियत शमोना सेटलमेंट में 10 से ज्यादा कत्यूशा और फलक रॉकेट दागे हैं। और इसके बाद शाम करीब 3:20 पर हिजबुल्ला ने एक बार फिर से रामिया साइट पर इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों को रॉकेट हमलों में उड़ा दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने जाउरा में इजरायली सेना के वाहनों पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट बरसाए हैं, जिनमें आईडीएफ के सैन्य वाहन आग की लपटों में तब्दील हो गए। इसके अलावा अविविम सेटलमेंट और शतूला सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने कई बम और गोले बरसाए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके ये हमले टारगेट्स पर एकदम सटीक जाकर लगे हैं। और इस हमले के बाद शाम 6:00 हिजबुल्ला ने अल मलिकिया साइट पर आईडीएफ के जासूसी उपकरणों को उड़ा दिया। इसके बाद शाम करीब 6:15 पर अल सुमाका मिलिट्री साइट पर रॉकेट दागे, और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने कफार युवाल सेटलमेंट पर भी हमला कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद हिजबुल्ला ने कफार गिलादी सेटलमेंट पर भी आईडीएफ पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर इसराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लेबनान से कम 65 रॉकेट इसराइल की तरफ दागे गए। उनमें से एक सबसे बड़ा रॉकेट किरियत शमोना पर जा गिरा, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला था। लेकिन हिजबुल्ला के इस हमले से पहले इसराइल के लड़ाकू जेट्स ने लेबनान के अल जबाल इलाके पर एक हवाई हमला किया था, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आई थी। इसको लेकर लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा था कि ये लोग युद्धग्रस्त इलाकों में अपने घरों से सामान वापस लेने आए थे, लेकिन इसी दौरान इसराइल के लड़ाकू जहाजों ने इन पर हवाई हमला कर दिया।